सो गाइस दिस इज आर मटन का हड्डी, ये खाओगे तो अक्ल आएगी, जिसको अक्ल नहीं है। हड्डी खाने के बाद ऐसे हंसने हंसते लोग, हड्डी खाओगे हड्डी खत्म हो जाएगी, इसके अंदर का माल खत्म हो जाएगा, तो ऐसे अंदर घुसा भी सकते हो अपने आप में, तो अक्ल आएगी। टू लाइफ बेबी। फर्स्ट एवर मुंबई श्री कांदीवली में हुआ था ये शो, मुंबई के अंदर, और मुंबई के सारे लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों ने मेरी जीत को विटनेस किया था। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये जीत याद भी होगी और आज तक छुपती भी होगी, चुभनी भी चाहिए। न्यूयॉर्क स्टेट ग्रैंड पिक्स गोल्ड ओवरऑल IFBB प्रोफेशनल लीग न्यूजीलैंड प्रो फोर्थ प्लेस। वेयर इज योर प्लेस? फोर्थ प्लेस IFBB प्रो। इंडिया का एक एथलीट है जो इंडिया से बाहर ट्रैवल करके प्रो शो खेला और फोर्थ प्लेस तक के मुकाम हासिल किया, कोई है? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है जिसने अभी तक के मेंस फिजिक में फोर्थ प्लेस तक के प्लेसिंग इंडिया से बाहर ट्रैवल करके प्रो शो खेल के लाई होगी। और मैं अब चाहता हूँ कि फ़्लाइट्स खुल गई है, सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए, तो अब मैं चाहता हूँ इंडियन एथलीट बाहर जाए। अरे भैया जलेबी नहीं, पराठा दो पराठा, मैं जिम वाला हूँ। दही पराठा मिलेगा? पराठा ले आओ, दही ले आओ, जिम वाला हूँ ना, बॉडी बनानी है मुझे, इससे तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। एक और रोटी डालो और मक्खन लगाओ, मक्खन एक और डाल दो रोटी। इंस्टाग्राम पे बताना यार कैसे खाते हैं, कैसे बॉडी बनाते हैं, ऐसे ही तो बॉडी बनती है मक्खन लगा लगा के। मज़ा ही आ गया वेज खाना खा के, बहुत दिनों से नॉन वेज खा रहा था, बॉडी नहीं बन रही थी, अब शायद बन जाएगी मेरी बॉडी, वेज भी खा लूँगा और इधर उधर की कुछ चीज़ें लेनी नहीं पड़ेगी। चंडीगढ़ की याद दिला दी इस खाने में। So you guys saw what I show you in restaurant. I'm sorry, I'm talking English. Oh yeah, sometime Hindi, sometime English. वो क्या है ना, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पे हिंदी में फ़ायदा हो रहा है वहाँ हिंदी से दपोच लेने का, और जहाँ इंग्लिश में फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे इलू इलू इंग्लिश स्पीकिंग, यू नो वॉट आई मीन। तो जो मैंने बताया वो सब गलत था। आई स्वेयर ऑन एनी बर्थडे मैंने कुछ नहीं खाया, मैं अपना डब्बा साथ में लाया हूँ ये खाने वाला हूँ। बस मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता था पूरी प्रैक्टिस की वजह से। वो खाना मेरी फैमिली खा रही थी, मैं नहीं खा रहा था, संडे है, क्रिसमस हॉलीडे, फैमिली को बाहर लाया। तो क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम पे जो दिखाया जाता है वो ज़रूरी नहीं है सच हो। बहुत ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे सिर्फ फेक चीज़ें दिखाते ताकि वो देख के लोग उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, ज़्यादा ट्रेनिंग मिल जाए, ओ ये खा के भी बॉडी बनती है, ये खा के भी बॉडी बनती है, अब तो मैं इसे ही कोच लूँगा, और बेचारे हर साल पैसे। बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वेज डाइट करने वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उनके लिए तो दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन डाइट करने वालों से, बनाने वालों से नहीं। देखिए अगर आपको सच में किसी वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर को फॉलो करना है, एथलीट को फॉलो करना है, तो चेकआउट बिक्की सिंह, ऐसे बनती है वेज में बॉडी और इस तरह होता है डिसिप्लिन। ये पराठे और दही से बॉडी बनती तो फिर बात ही अलग थी, समझ रहे हो आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फॉलो करो यार, रियल एथलीट को फॉलो करो, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े नाम है और काम इनके जीरो है। जाने दो, अभी आज मूड में था, थोड़ा सच्चाई बोल दी, बहुत लोगों को कड़वी लगी होगी। डाइजेशन टैबलेट ज़रूर ले लेना, नहीं है तो मैं SOS से भिजवा देता हूँ।